नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो आज क्रिकेट ऑपर की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बैट खरीदने के क्राइटेरिया के बारे में समझाऊंगा कि जब हम बैट खरीदते हैं तो हम किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ का नहीं रखना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम अपनी हार्ड अर्नड मनी के साथ जब बैट खरीदने जाते हैं तो हमें अच्छा क्राइटेरिया उसका नहीं मालूम होता, और जो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बैट खरीदते हैं वो दुकानदार हमें उस पर पागल बना देता है, और एक 3-4 हज़ार वाला कीमत वाला बैट भी हम 5-6-7 हज़ार में ले आते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। आज आपको यही बताऊंगा कि अपने पैसे कैसे बचाएं और कम बजट में भी एक अच्छा बैट कैसे पाएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया से, जो कि है बैलेंस। जी हाँ, अब आपने बहुत सुना होगा बैट यूज़ करने वालों से, या बैट जो ख़रीदने आते हैं हमारी शॉप पे भी बहुत से लोग आते हैं, उनका क्राइटेरिया होता है वेट, जो कि एक गलत क्राइटेरिया है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई आजकल ये चाहता है कि यार मुझे 1150, 1160, 1170 के बीच में बैट मिले, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही ख़तरनाक क्राइटेरिया है। इससे हो क्या रहा है कि जो मेकर है वो कर क्या रहे हैं, 1160, 1170 ग्राम के बैट को भी वो पूरा साइड से ये चीज़ें बहुत कम कर दे रहे हैं, और इससे ये मोटा लगता है और उसका वेट भी गिर जाता है, पर बैट में जान नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझना है कि आप 12-20, 12-30, 12-40 ग्राम तक के बैट से भी खेल सकते हैं अगर आप संडे के संडे खेलते हैं। अगर आप, और जो ये क्राइटेरिया है 1150, 1160 वाले वेट का, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्लेइंग 11 है, जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं या बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, ये क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए है जो संडे के संडे खेलते हैं या लीग मैचेस खेलते हैं या क्लब से खेलते हैं, ठीक है, जिनके मैचेस होते हैं वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, उनके लिए ये 1150, 1160 वेट कंपल्शन नहीं है अगर आप प्रोफेशनल नहीं खेल रहे। अगर आप ठीक ठाक खेल रहे हो, संडे के संडे खेलते हो, तो आप 1220, 1230, 1240 ग्राम बैट से भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और बहुत बार तो लोग दुकान पे आते हैं, हमसे बैट लेके जाते हैं और बैट का वेट होता है 1230, 1240, और उन्हें पता भी नहीं होता, और जब वो उसको वेइंग मशीन पे रखते हैं फिर वो देखते हैं कि यार इतना ज़्यादा वेट। वेट इज़ जस्ट अ बाउंडेशन इन योर माइंड, इट्स जस्ट अ लिमिटेशन आपके माइंड में है। प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में बैट का बैलेंस ही यही मैटर करता है, और हर उस बैट का बैलेंस होता है जिससे आप इजीली अपना स्टांस ले सकें, अपनी शॉट्स खेल सकें। वेट डजंट मैटर एट ऑल अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेइंग सो मच प्रोफेशनल, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, जो कि है बैलेंस। आपको वेट नहीं देखना है, आपको बैलेंस देखना है, जो आप इजीली शॉट्स से इस बैट से खेल सकें वो बैट आपके लिए है। अगर आप सेम बैट 2-3 दिन खेलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने उसको वेइंग मशीन पर रख दिया, कंडे पर रख दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर उसका वेट ज़्यादा हुआ तो आपको अगले ही मैच से आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अगला है हैंडल। जी हाँ, आप हैंडल आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल हैंडल होता है जिसको हम शॉर्ट हैंडल बोलते हैं वो रहता है 10.5 इंचेस का। हैंडल दो तरह के आते हैं, एक आता है 10.5 और एक आता है 11.5। अगर तो आप बहुत ही बल्कि ग्लव्स यूज़ करते हैं, बहुत मोटे ग्लव्स यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा लंबा हैंडल ही लेना चाहिए। बट अगर आप ज़्यादा बड़े बल्कि ग्लव्स यूज़ नहीं करते तो आप शॉर्ट हैंडल से भी, 10.5 इंच के हैंडल से भी आप खेल सकते हैं। और आपको ये चीज़ देखनी है कि जब आप पैड्स पहने, आप अपने लेग गार्ड्स जब पहने और शॉट्स खेलते समय उसमें फंसे ना। अगर आपका हैंडल उसमें फंसेगा तो आपके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप शॉट्स नहीं खेल पाएंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है अगला क्राइटेरिया कि आपको जब भी बैट खरीदना है तो आपको पैड पहन के ये चेक करना है कि आप इजीली स्टांस ले पा रहे हैं, क्या उसमें हैंडल फंस तो नहीं रहा। ये चीज़ बहुत लोग कम करते हैं और एक गलत बैट खरीद लेते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रोफाइल। प्रोफाइल में 15-20 तरह की प्रोफाइल नहीं है, सिर्फ 2 तरह की प्रोफाइल आती है। एक तो ये है जिसमें स्पाइन थोड़ा मिडल से, ये है मिडल वाला बैट, स्पाइन यहाँ से शुरू होके थोड़ा आगे तक जा रही है, ठीक है। एक ये प्रोफाइल है और एक दूसरी प्रोफाइल है ये वाली, इसमें स्पाइन थोड़ा पहले ख़त्म हो रही है, टो के नीचे थोड़ा सा
कम आप बल्क देख पा रहे हैं, इसमें मिडल में ज़्यादा जोर दिया गया है और नीचे थोड़ा सा कम बैट जोर दिया गया है। अगर तो आप मैट की पिचेस पे खेलते हैं या सीमेंट की पिचेस में खेलते हैं जहाँ पे बॉल बहुत उछल के आता है, बहुत ही उछल के आता है, तो आप इस बैट से खेलेंगे, इस प्रोफाइल से खेलेंगे, ठीक है। और अगर आप उन पिचेस पे खेलते हैं जहाँ पे जो कि नॉर्मल इंडियन पिचेस होती हैं, मिट्टी वाली पिचेस, ठीक है, कोई बहुत प्रोफेशन तो होता नहीं है, तो आप इस प्रोफाइल से खेलेंगे जिसमें स्पाइन थोड़ा नीचे तक जाता हो ताकि आपको टो में शॉट मिले, रिबाउंड मिले, ठीक है। अब आगे लास्ट पॉइंट, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच इज साउंड। हम बैट खरीदते हुए ग्रेन्स देखते हैं, साउंड नहीं देखते। बहुत बार आपने देखा होगा जब आप बैट खरीदते हो तो आप पिंग टेस्ट करते हो, है ना, वो आपको करके दिखाता हूँ। बहुत बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जो लोग बैट बेचते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको पिंग टेस्ट करके दिखाते हैं और वो ऐसे करते हैं, ये देखो बॉल कितना ऊपर जा रहा है। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो मैटर करता है कि आप बैट को किस डेंसिटी से और किस जोर से आप हिट कर रहे हैं, किस फोर्स से आप हिट कर रहे हैं। अगर मैं बेकार 1500 वाला बैट से भी मैं अगर जोर लगाऊंगा तो बॉल ऊपर ही जाएगा भाई, वो नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही जाएगा। इसलिए आपको पिंग टेस्ट में आपको ये नहीं देखना कि बॉल कितना ऊपर जा रहा है, आपको ये देखना है कि वो साउंड कैसा दे रहा है। पर हम एक तो ये देखते हैं कि बॉल कितना ऊपर जा रहा है और यहाँ तो हम देखते हैं कि उसके ग्रेन्स कितने हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो का जो बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है कि आपको इंग्लिश विलो बैट बेच दिया जाता है, कश्मीरी विलो बैट सॉरी बेच दिया जाता है इंग्लिश विलो बता के, वो है ग्रेन्स और वेट। इन दोनों में कोई डिफरेंस माइका लाल नहीं बता सकता कि कौन सा कश्मीरी विलो है और कौन सा इंग्लिश विलो है, बट ये जो ब्लू ग्रिप वाला बैट है ये इंग्लिश विलो है और ये जो वाइट ग्रिप वाला बैट है ये कश्मीरी विलो है, ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा साउंड से, ना कि ग्रेन से। जी हाँ, ग्रेन से कोई भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ साउंड से पता लग सकता है, ठीक है। और साउंड से भी देखिए, ये है इंग्लिश विलो, आपको इसका पिंग टेस्ट करके बताता हूँ। साउंड बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही स्मूथ साउंड होगा, देखिए। और जो कश्मीरी विलो है इसमें साउंड हल्का सा चेंज रहेगा, आप देख सकते हैं। जी हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कश्मीरी विलो एंड इंग्लिश विलो। उस पर एक अलग से एक लंबी वीडियो भी बनाएंगे बाद में जब टाइम मिलेगा। तो ये जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी यहाँ पे ये है कि यार जब भी बैट खरीदो ना तो आप ग्रेन्स की ओर मत ध्यान दो, आप साउंड की ओर ध्यान दो। जो बैट होता है वो जब भी कोई बैट बनता है ना, जो भी बैट खेलने के लिए रेडी है वो एक लिटमस टेस्ट के थ्रू ही बैट तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि बैट को पहले मशीन में प्रेस किया जाता है और जो लकड़ी कमज़ोर है वो प्रेसिंग के दौरान ही टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो कोई बच्चा बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है या ग्रेजुएशन की किसी की भी पढ़ाई कर रहा है, उसने प्लस टू पास की होगी ना, इसलिए वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए जो बैट बना हुआ है, रेडी टू प्ले है, यानी कि खेलने के लिए तैयार है, ठीक है, प्री नॉक स्टेज में, ऑब्वियसली वो प्रेसिंग हो के बाहर निकला है तो वो बॉल तो उछालेगा ही, ऑब्वियसली उसका टेस्ट हो चुका है, ये प्लस टू पास करके ही ग्रेजुएशन में आया है। तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसकी साउंड देखनी है, नंबर ऑफ ग्रेन्स में नहीं जाना है, इसके इतने ग्रेन्स हैं, उसके उतने ग्रेन्स हैं, जी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड देखनी है। तो पिंग टेस्ट में आप हल्की फुल्की साउंड देखो, ये मत देखो बॉल कितना ऊपर जा रहा है, ये देखो उसकी साउंड कैसी है। और दूसरा, आपको टो के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 95% बैट्स टो में शॉट नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4-5% ही टो में शॉट रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेपर होता है, उस पेपर में मान लीजिए 1000 बच्चे बैठ रहे हैं तो टॉप 10 में सिर्फ 10 ही आएंगे, बाकी के 990 वाले रैंक पे ही आएंगे, ठीक है। तो आपकी किस्मत अगर आपको टो वाला अच्छा बैट मिल जाए, अदरवाइज आप टो पे आप ये मत देखो कि कितना ऊपर जा रहा है कितना ऊपर नहीं जा रहा है, वो नहीं ही जाएगा, ठीक है। आपको शॉट चेक करनी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉट चेक करिए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे उम्मीद है कि जो सब्सक्राइबर यहाँ तक बने रहे हैं वीडियो में उनको काफ़ी चीज़ें समझ लगी होंगी कि वो जो चार चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए
बैलेंस, प्रोफाइल, हैंडल और साउंड, इन चार चीज़ों को देखना चाहिए और ग्रेन्स और वेट को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स और वेट आपको अच्छा दिखा के आपको एक बेकार बैट भी महंगे दाम में चिपका दिया जाता है और आप उसको खरीद लेते हो। तो इसलिए आपको इन चीज़ों दो चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। जो चार चीज़ें आपको देखनी चाहिए वो अब मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इस फील्ड में। अगर आप अच्छा बैट खरीदना चाहते हैं, आप जस्ट अपना बजट बताओ, आपको कश्मीरी भी लो, इंग्लिश भी लो, हर कोई बैट मैं आपको घर बैठे डिलीवरी कर सकता हूँ। शॉप पे आना चाहते हो तो जलंधर में हमारी शॉप है क्रिकेट टॉपर नाम से, आप वहाँ पे भी आके बैट खरीद सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।